हाय हेलो गुड मॉर्निंग कैसे हैं सभी लोग फर्स्ट क्लास होंगे मस्त होंगे जबरदस्त होंगे स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल पर कैसे हैं सभी लोग फटाफट से अपने हालचाल जरूर बता दीजिएगा कैसे हो सभी लोग आर्यन वर्ल्ड किंग ओके मत बोलो पता नहीं क्या लिखा हुआ है एंड चंद्रभान कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बता दीजिए सर वेट है इसी का बिल्कुल भाई क्या कर दिया हूँ क्या चल दिया हूँ सूरज गुड मॉर्निंग कैसे हो भाई सभी लोग देखो तो भाई कभी कभी संडे को भी मिल लेना चाहिए वैसे मैं संडे को काम करने का आतुर नहीं रहता हूँ और मेरी इच्छा भी नहीं थी बट ऑल ऑफ अ सडन ये क्लास लगा दी गई थी एंड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस तो लेकिन फिर भी मुझे क्लास लगा कि नहीं ये जेनुन है क्योंकि बच्चों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आखिर जो बचा हुआ समय है हमारे पास उसमें हम क्या तैयारी करें और क्या पढ़ लें क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें भी बात करते हैं जरा ए सेट कर लूँ पहले ये कुछ ज़्यादा ही गर्म कर रहा है है हाँ ना देखो भाई आज हम लोग बात किस बारे में करने वाले हैं ये आपने थंबनेल में देख लिया आपने टाइटल में देख लिया और यहां पर भी देख लिया है क्या पढ़े एस एस सी के लिए क्योंकि डेली पुलिस का एग्जाम अभी काफी दूर है इसलिए तो उसकी सलाह हम नहीं देंगे लेकिन अगर वन शॉट जिसकी हम सजेशन की बात करते हैं वो आज हम आपको देने वाले हैं एम के लिए जब ग्रामर की किताब उठाओ मेरे भाई तो बहुत कुछ रहता है पढ़ने को उसमें ग्रामर के आपके नौ दस चैप्टर नॉर्मली हो जाते हैं और उसके साथ साथ ग्रामर जो है वो आपको नंबर कितने देती है ये भी आपको आइडिया नहीं होता है मेरा मानना यह है कि अगर हम सही तरीके से सही स्ट्रेटेजी के साथ अपनी तैयारी करते हैं तो कोई भी एग्जाम निकाल पाना असंभव नहीं होता है बात समझ में आ रही है हरेंद्र भैया गुड इवनिंग सर मेरा पाँच जुलाई को एग्जाम है देखो भाई हरेंद्र जिनका पांच जुलाई को है या फिर पाँच जुलाई से लेकर दस जुलाई के बीच में है समय बहुत कम है क्योंकि आज हो रही है हमारे पास कौन सी तारीख तीन तारीख तीन तारीख हो रही है बचे हैं दो दिन तो दो दिन में कोई आपको हम रामबाड़ तो नहीं देने वाले हैं लेकिन आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलने वाला है ठीक है देखो भाई मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि बाकी बचे दिनों में आप क्या कर सकते हो ठीक है या क्या क्या पढ़ना जरूरी होता है मैं वो सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं सबसे नंबर वन बारी आती है ग्रामर ग्रामर की कि सर ग्रामर तो पढ़नी होती है लेकिन कितनी पढ़े और ग्रामर में आखिर कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको हम पढ़े तो हमारे पास क्वेश्चन के चलिए कि मिल जाए। तो SSC के अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो हमने कुछ चीजें ऑब्जर्व की हैं अपनी लाइफ में और जब मैंने एस एस सी है कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको सबसे ज्यादा पूछा जाता है एस एस सी के द्वारा तो उन्हीं चैप्टर्स के मैं आपको नाम बताने वाला हूं किसको कितना पढ़ना है वो भी आपको बताने वाला हूं। या अब जिनके पास दो दिन बचे हुए हैं चालीस घंटे छत्तीस घंटे तो उनके लिए कोई सलाह नहीं है उनके लिए वीडियो मात्र सलाह के जैसा है और सिर्फ अब क्या ही बोलू मैं है ना लेकिन आ, कहते हैं कि लास्ट मिनट टिप्स देना बहुत जरूरी होता है तो वही चीज है कि ग्रामर में, में मेरे भाई सबसे ज्यादा जो चैप्टर पूछा जाता है एस की तरफ से वो हो जाता है ठीक है सब्जेक्ट वर्ब, 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 सब वर्ब अग्रीमेंट के नाम का चैप्टर आपने चैप्टर सुना जरूर होगा मेरे भाई ठीक है और ये चैप्टर अगर तुम पढ़ना चाहते हो या तुमको नहीं आता है और तुम पढ़ना चाहते हो तो इस चैप्टर को तुम क्या कर सकते हो यही

तो तुमको किसी किताब में जाने की जरूरत नहीं है तुम्हारे पास सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है बस कैसे उसको निकालना है मैं वो चीज बता दे रहा हूं ठीक है है तो ये ये प्राइम चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको तुम लोग देख सकते हो रजनी कुमारी गुड इवनिंग रवि गुड मॉर्निंग एंड uh, हरेंद्र ठीक है उमेश भी आ चुके हैं नमस्ते भैया है, क्या हाल है और एक और कुछ दिख रहा है फिटनेस राजपूत शायद है ना चलो भाई भाई सभी को नमस्कार सत्यम सर नमस्कार सत्यम सर नहीं है अच्छा सिया राम सर कह रहे हैं अच्छा सिया राम भैया देखो वो पढ़ लेना सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट उसमें पढ़ लेना इसके अलावा और क्या पढ़ोगे इसके अलावा तुम प्रेपोजिशन एक बार देख लोगे ठीक है अब देखो भाई हरेंद्र और बाकी वो सभी बच्चे जिनका एग्जाम पांच तारीख को है उनके लिए मैं कुछ नहीं बता रहा हूं मैं बता ये रहा हूं कि अगर तुमने ये चीजें पढ़ रखी हैं तो ये तुम्हारे काम आने वाले नहीं पढ़ रखी तो जाकर थोड़ा सा तो देख लेना मेरे भाई ठीक है देखो तो प्रेपोजिशन दो तरह के होते हैं जिनमें से एक सबसे ज्यादा जरूरी होता है फिक्सड प्रेपोजिशन क्या होता है फिक्स प्रेपोजिशन तो तुम कुछ देखना या ना देखना क्या देख लेना फिक्स प्रेपोजिशन जरूर देख लेना क्या देख लोगे फिक्सड प्रेपोजिशन जरूर देख लोगे फिक्सड प्रेपोजिशन होते क्या है लेटमी टेल यू जैसे कि तुमने सुन रखा हो होगा कि अगर हम लोग जिंदगी में अक्यूज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो अक्यूज के बाद प्रपोजिशन ऑफ को इस्तेमाल करते हैं इसी तरह से तुमने बचपन में जब अप्लीकेशन लिखी है तो आई एम सफरिंग के बाद क्या लिखा है आई है तो यही केस जो एक कोई वर्ब एक अपने साथ प्रेपोजिशन लेती है और वो हमेशा कांस्टेंट रहता है एकदम नियत रहता है उसी को हम बोलते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन का चैप्टर तो एक बार उसको देख लेना ठीक है बात समझ में आ रही है सर आराम से रेलवे ग्रुप डी का किस देश में होगा क्या कह रहे हैं एल्जाम के कितने में होगा भाई क्या लिखा है मेरे को धुंधला दिख रहा है एक्चुअली क्योंकि दूर काफी रखी हुई स्क्रीन मैं एक सेकंड देखता हूं बड़ी अच्छी बात लिख रहा कि गंदी बात करो जैसी भी लिख रहा मेरे, मेरे, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है चलो ठीक है क्या ही बात करें मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई ठीक है तो ये दो चैप्टर प्राइम पर्पस पे है प्राइम हमारे जो है क्या है मोटो पे है अगर तुम ग्रामर पढ़ना चाहते हो तो मैंने इनको बताया है उसके बाद कौन कौन से चैप्टर आपके लिए जरूरी हो जाते हैं एस के हिसाब से एक तो हो जाता है के नाम से जानते हैं। सब कुछ अवेलेबल है बस प्रेपोजिशन छोड़कर एम डी क्लासेस पर सब कुछ अवेलेबल है मेरा पढ़ाया हुआ बाकी यूट्यूब पर तमाम लोगों ने पढ़ाया हुआ तुम किसी का भी देख सकते हो मेरी उसमें कोई ही नहीं है मैं बस इतना बता रहा हूं कि क्या पढ़ना है ठीक है कहां से पढ़ना है वो तुम्हारे लिए सोर्सेस बहुत खुले मैं भी पढ़ा चुका हूं प्रणाउ में सेल्फ वाले यानी रिलेटिव सॉरी

हो गया ये सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं तो मैंने प्रोनाउन भी पढ़ाया हुआ है है ना जैसे पूछ रहा भाई कि सर रेलवे मिनिस्टर हैं हद है ठीक <laughs> है ठीक है बिल्कुल लाल बाबू राम गुड मॉर्निंग भाई देखो मेरे भाई तो तीन चैप्टर हमारे पास हो गए एक तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हो गया एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन का हो गया और एक अपन प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन सॉरी रिफ्लेक्सिव रिलेटिव और पॉजिटिव एडजेक्टिव ये तीन चीजें पढ़ सकते हैं ठीक है इसके बाद आप लोगों ने एक किताब मार्केट में देखी होगी पब्लिकेशन नीतू मैडम वाली जो किताब है प्रिंथ टू पैरा माउंट के नाम से है, और केडी कैंपस के नाम से भी है मेरे भाई तो उस किताब में क्या है सारे प्रीवियस ईयरस के क्वेश्चन दे रखे हैं ठीक है यानी अगर तुमको रूल आते हैं अगर तुमको रूल आते हैं तो तुम एक काम कर सकते हो कि वो सारे प्रीवियस ईयरस के क्वेश्चन देख सकते हो अदरवाइज उसी किताब में एक चैप्टर आपको मैं बता दूं नाउन का दे रखा है हालांकि मैंने भी पढ़ाया हुआ है और अगर तुम्हारे पास किताब है तो उसके लिए ऑप्शन बता रहा हूं मैं वो नाउन चैप्टर जो है उसमें गिनती के लगभग पांच रूल दे रखे हैं पांच रूल दे रखे हैं ठीक है अब ध्यान रखना मैंने शुरुआत की थी वर्ब से इसका मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिर थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट और उसके बाद थोड़ा सा और कम इंपॉर्टेंट ग्रामर के सेक्शन को बता रहा हूं यानी इधर से शुरू किया है और बाकी इधर जो आता जाएगा वो सारा जो है लेस इंपॉर्टेंट में हमारे पास आएगा बात समझ में आ रही बोलो हाँ या ना? हाँ भाई सदानंद भारती नहीं पता है हमें अपने भारत का नहीं पता है क्योंकि हम रेलवे से बहुत दूर हैं मित्रों है, है ना इसलिए हम इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन आपको विशाल सर सत्यम सर या बाकी जो भी पढ़ाते हैं रेलवे में सर लोग मैडम लोग वो बता सकते हैं ठीक है फिलहाल आपको नाउन पढ़ लेना है मेरे भाई और ये लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि भैया ये कम पूछे जाते हैं इसके अलावा अगर मैं एडजेक्टिव की बात करूँ तो आप एडजेक्टिव भी पढ़ लेंगे और एडजेक्टिव में सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है मैं बता दूँ आपको सबसे ज्यादा एडजेक्टिव में जो आपने केस देखा होगा किसका ले, आ, ये आपने मच का केस देखा होगा आपने वेरी का केस देखा होगा मच लगाएंगे कहाार्दर साथ के डिफरेंसेस आपने पढ़ रखे होंगे तो ये जो डिफरेंसेज होंगे आप इनको भी देख लेंगे इसी तरह से जैसे डिफरेंसेस की बात करें तो लास्ट वर्सेस क्या लास्ट वर्सेज लीस्ट लास्ट वर्सेज Least, इस तरह के वर्ड्स के डिफरेंसेस देख लेंगे ये एडजेक्टिव में आपको मिल जाते हैं या लास्ट वर्सेस लीस्ट नहीं आता है सॉरी मैं गलत लिख गया यहाँ पर एक सेकेंड रुकेगा लास्ट वर्सेज आता है लेटेस्ट का ये एडजेक्टिव का डिफरेंस है इसलिए मैं बता रहा हूं यहाँ पर बाकी वर्ड तो वो भी होता है एग्जिस्ट करता है ठीक है ये हो गया मेरे भाई ठीक है ना बात समझ में आ रही है अब एक काम करना है तुम्हें एक काम और करना है कि एक चैप्टर हमारे पास एडिशनल होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जब तुम लोग पढ़ोगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट चैप्टर जब पढ़ोगे तो इसमें एक चैप्टर एडिशनली पढ़ाया जाता है किताबों में मैंने भी पढ़ा रखा है हालांकि और किताबों में भी दे रखा है दैट इज होता है कंजक्शन कंजंक्शन में क्या याद करके जाओगे सबसे पहली चीज तो कंजंक्शन में पेयर याद कर लेना सबके कि किसका कौन सा पेयर होता है जैसे कि वेदर के, 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 के साथ और बिटवीन के साथ एंड बोथ के साथ एंड ठीक है फ्रॉम के साथ टू या टिल स्ली के साथ हार्डली के साथ और बेरली के साथ हम लोग लगाते हैं वेन नो सूनर के साथ हम लोग लगाते हैं देन तो ये जितने पेयर हैं ये मैंने आपको कंजंक्शन में पढ़ा रखे हैं आप चैप्टर का नाम डालेंगे कंजंक्शन बाय नवीन सर एमडी क्लासेस कंजंक्शन एमडी क्लासेस ऐसे करके भी डाल देंगे तब भी आपको मिल जाएगा कुल मिलाकर क्लासेस या नवीन सर कुछ भी लगाओगे तुमको आराम से पूरी लिस्ट मिल जाएगी तो कंजंक्शन में पेयर याद करना है बाकी सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग की अगर मैं बात करूं तो उदाहरण के तौर पर अगर यहां मैं बात करता हूं एक शब्द की मैंने इसको यहां पर लिखा ऑलदो अगर आपको याद होगा कि मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था जिसमें ऑल्दो वर्ड का इस्तेमाल था ये जो चीजें होती है ये अंडरस्टैंडिंग के आधार पर होती है यानी अगर तुम्हें बिल्कुल ही नहीं आता है तो कोई तुम्हें फायदा नहीं है अभी लास्ट मिनट टिप्स भी तुम्हारे किसी काम की नहीं है लेकिन जो लोग ये चाह रहे हैं कि लास्ट में हम क्या क्या चीजें देख रहे हैं ऐसी इंपॉर्टेंट जिससे हमारी चीजें आ सकती है तो वो उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल श्योर शॉर्ट वाली चीज है बात समझ में आ रही बोलू हाँ ना ठीक है तो इतना काम कर लेना यह हो गई ग्रामर की बात बस इससे ज्यादा ग्रामर मत पढ़ना इससे ज्यादा ग्रामर मत पढ़ना। एडवो वगैरह एस थोड़ा सा कम पूछता है बैंकिंग में ज्यादा पूछ लिया जाता है ठीक है तो मैं उसके बारे में तुमको सलाह भी नहीं देने वाला हूं अब बात आ जाती है बाकी सारी चीजों के लिए क्या करें उदाहरण के तौर पर सर के के लिए क्या करें उदाहरण तौर पर हम क्या करें वो कैब के लिए क्या करें तो मैं तुमको एक चीज बता सकता हूं कि जितना भी प्रीवियस ईयर का वो कैब आया हुआ है, के वो, हुआ है जितना भी वो, हुआ, वो सब तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है इसके अलावा अभी लेटेस्ट में क्या हुआ था लेटेस्ट में हमने तुमको क्या करा रखा है एमडी क्लासेस के ही प्लेटफॉर्म पर मॉक टेस्ट करा रखे हैं क्या करा रखे हैं मॉक टेस्ट करा रखे हैं कि मैंने अभी तक तेरा मॉक टेस्ट करा दिए कितने तेरा मॉक टेस्ट करा हैं कैलकुलेट करो कि मेरे भाई तो कम से कम मैंने 300 के आसपास क्वेश्चन करा दिए हैं कितने 300 के आसपास मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं और 300 क्वेश्चन का मतलब यह होता है कि उसमें कम से कम तुम्हारे पास 100 से 150 सौ वोबुलरी रखा हुआ है तो एक बार उसको भी रिवाइज कर सकते हो MTS के लेवल में बहुत ज्यादा तूफानी नहीं आती है साधारण ही आती है लेकिन जैसे कि एक एंटोनिम और एक सिनोनिम पूछा गया दो एंटोनिम और दो पूछे गए तो उसमें एक दो ऐसे होंगे ऑप्शन में या फिर मेन क्वेश्चन में कि जो आपको टफ लगेंगे जो आपने कभी शायद पढ़ा नहीं होगा तो वो अपने लेवल को तुम ही जानते हो

ये सारी चीजें करके जानी है क्या चीज की प्रैक्टिस नहीं करनी है मैं बता देता हूं आपको जंबल सेंटेंसेस अभी फिलहाल अब बचे समय में जैसे पांच जुलाई वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूं जंबल सेंटेंस उनको लगाना ना लगाना कोई फायदा नहीं है क्योंकि आ गया तो ठीक नहीं आया तो ठीक है तो इसका कोई अभ्यास नहीं करना है ठीक है इसके अलावा क्लोज टेस्ट का कोई भी रटके नहीं जाना है जंबल सेंटेंसेस क्लोज टेस्ट और फिलिंदी ब्लैंक्स ये सारे आप रटके नहीं जाओगे क्या फिलिंदी ब्लैंक आप सारे रटके नहीं जाओगे ये रटने का काम नहीं है जो तुमको रटना है वो बस इतनी सी चीजें हैं जो तुमको रटना है एग्जाम से पहले वो सिर्फ इतनी ही चीजें हैं मेरे भाई कौन कौन सी आपके पास है वर्ब जिसमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है और कंजंक्शन का कोरिलेशन है याद दिलाऊं जैसे तो मैंने बता दिया एक तो की याद रखनी है और एक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में एक नियम लगता था इन सभी शब्दों में, इन सभी में एक नियम ये लगता था कि जब भी ये कंजक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं तो जो वर्ब होती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल हो रही होती है ऐसे कंजेक्शन में आई तो थिंक कि आप कर पाओगे सर एम टी एस के प्रीवियस ईयर का यह तीनों चीज पढ़ेंगे या फिर और भी एम का ही पढ़ना है एम का ही पढ़ना है मेरे भाई इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है रजनी गुड मॉर्निंग भाई गोलू डे ब्लॉग्स ठीक है ये कुछ लिखा है सीटी बजाते हुए समझ नहीं आ रहा भाई काफी ऊपर चला गया है कमेंट ठीक है आई एस शोभा सम्राट कृति ऑल दो बड़ा अच्छा नाम लिखा है आई एस शोभा सम्राट है ना और वेलकम आई सर अरे आई एस नहीं आते हैं ठीक है यहाँ जो है ये लौंडे हैं यूट्यूब वी पे वीडियो बनाने के लिए कुछ भी नाम रख देते हैं या तो ख्वाब होता है कुछ बच्चों का कि हमें आई बनना है तो आज से ही नाम रख लेते हैं आई ठीक है बाकी यहाँ आई क्या करेंगे और अगर आते हैं तो भैया मेरा प्रणाम है सभी आई को है कि नहीं सी के प्रीवियस ईयर काफ़ी होंगे सर सुंदर सिंह एक्चुअली क्या है मैं अगर एक पैमाने की बात करता हूँ तो तुमको बताता हूं एक चीज कि एसएससी दो कैटेगरी में एग्जाम कराता है एसएससी क्या कराता है दो कैटेगरी में एग्जाम कराता है एक तो हो जाता है ग्रेजुएट लेवल और एक हो जाता है टेन प्लस टू वाला लेवल जो होता है या पास या बारह बारहवीं के लिए ठीक है अब इनमें अगर हम सीजीएल तो सीजीएल तो रखा ही हुआ है साथ में जो सीपीओ का एग्जाम होता है यानी सेंट्रल पुलिस ऑफिसर का ये जो दो एग्जाम होते हैं इनमें जो इंग्लिश आती है उसका लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है वोकेबरी काफी अच्छी वाली आ जाती मतलब तगड़ी वाली आ जाती है न्यूज़पेपर में जो कॉमनली आपको मिलती है है ना और आ... भाई आने वाला है उमेश कुशवाहा अभी उन्हें मिला था कि कीज आने वाली है बट अभी ऑफिशियल आई नहीं है और जैसे ही होगा एसएससी के बारे में सारा अपडेट आपको दे दिया जाएगा ठीक है बात समझ में आ रही है अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दूसरे हम लोग पैटर्न की दूसरा हमारा तो प्लस टू में जिसमें कौन कौन से एग्जाम आते हैं देखो इसमें हमारे पास होता है सी का इसमें हमारे पास होता है स्टेनो का और इसी में हमारे पास हो जाता है एम का और अभी जो हमारे पास डेली पुलिस चल रहा है ये सारे एग्जाम्स ठीक है तो प्लस टू लेवल के एग्जाम्स यहां दे रखे हैं सीपीओ सीजल के यहां दे रखे हैं इन दोनों में अगर अंतर की बात करें तो क्या कॉमन है इन दोनों में मैं वो चीजें बताता हूं देखो भाई इन दोनों में कॉमन है ग्रामर ग्रामर के नियम दोनों में ही वही लगेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो अलग है वो ये कि इनकी वोकैब क्या रहती है इनकी वोकैब वोकैब में मैं किस किस चीज की बात कर रहा हूं मैं ईडियम्स वन वर्ड और किसकी बात कर रहा हूं एंटोनिम सिनोनिम की तो इसमें जो है आती है एडवांस कैसी आती है एडवांस आती है सीधे नॉर्मल वो कैब तो आएगी ही नहीं आएगी और इसमें अगर वो की बात करूं तो इसमें आता है बेसिक और ज़्यादा से ज्यादा लिटिल विथ मॉडरेट वोकैब्री मॉडरेट अब देखो इसमें अंतर क्या आ रहा है जैसे कि कल मैं एक शब्द पढ़ा रहा था कल मैंने एक वोकैब्री लिखवाई थी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में करा रहा था अभी तक और वही मैं उद्देश्य में रखता हूं तो एक था वो प्रोटेक्ट बताइए क्या प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट बताइए अब को दुनिया को पता है गा? हर लौंडे को पता होगा जो तैयारी कर रहा होगा मेरे भाई की प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है प्रोटेक्ट का मतलब रक्षा करना होता है सुरक्षा करना किसी की तो उसका अपोजिट पूछा गया था ना तो भैया इसका अपोजिट क्या हो जाएगा इसका अपोजिट हो जाएगा हार्म इसका अपोजिट हो जाएगा हार्म तो ऐसे सिंपल सिंपल शब्द पूछे जाते हैं यहां पर लेकिन वही अगर इसमें पूछा जाता तो इसमें ध्यान रखो इसमें कैसा शब्द आया होता इसमें कुल मिलाकर इस तरह का शब्द आता ऐसे इनोकुअस मान लो हम एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं बेटा इसमें इस तरह का खतरनाक वर्ड आता जो कि तुम्हारी समझ से परे हो जाता है का मतलब कितने लोगों को पता है इंग्लिश से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं

ये नंबर सेकंड पर है और ये है थर्ड नंबर पर वो कैबलरी पढ़ने का जो तुम्हारा तरीका होना चाहिए और प्रीवियस ईयर के ही पढ़ोगे किसी किताब को मार्केट में जाकर फर्जी खरीद लाओगे तो किताब वाले क्या करते हैं जानबूझ के एडवांस लेवल रखते हैं ताकि लौंडे को समझ में ना आवे। और लगे अरे दादा ऐसा आता है किताब बड़ी अच्छी बस हम को नहीं आता है फालतू में क्या हो जाता है दुर्घटना हो जाती है ठीक है ना इन इनको का मतलब भी होता है हार्म पहुंचाना शाबाश ठीक है पहुंचाना नहीं होता है हार्मफुल ही होती है रजनी बाकी तुम्हें याद है कम से कम अच्छा लगा मुझे पच्चीस क्वेश्चन ही आते हैं उमेश कह रहे हैं कैसे पढ़े कह रहे हैं चंदन कुमार हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अब देखो जिसके पास समय ज्यादा है उसके लिए मैं थोड़ा सलाह देता हूं कि सर वो कैब कैसे तैयार करें ध्यान रखना कि वो कैब कैसे तैयार करें यह बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो कैब कैसे तैयार करें तो मेरे पास वैसे बात मैं एक्चुअली इस बात पर लेसन दे चुका हूं कि कैसे क्या चीज़ें करनी चाहिए चीज़े, बट मैं काम करता हूं एक शब्द लिखता हूं यहां पर देखो चलो एक शब्द मैंने यहां पर लिख दिया स्टीम मैंने यहां एक शब्द लिख दिया है दैट इज वॉट स्टीम ठीक है जब लोग ये पूछते हैं कि सर कैसे याद करें तो उसके लिए मैं बहुत सारी चीज़ें बताता हूं उनमें से एक तरीका ये है स्टीम लिख रहा हूं ठीक है इसके अलावा एक शब्द मैं लिख रहा हूं यहां पर स्कटल ठीक है स्कटल लिख लिया स्टीम हो गया स्कटल हो गया और एक शब्द यहां लिख रहा हूं मैं बेटर क्या बेटर लिख रहा हूं ठीक है यह लिख लिया एक शब्द मैं यहां पर लिख रहा हूं अक्विट क्या अक्विट एक्विट अब देखो मुझे लगता है कि आपको इनमें से किसी का मीनिंग नहीं आता होगा आपको इनमें से किसी का मीनिंग नहीं आता होगा या शायद सब के आते हों या फिर कुछ के आते होंगे कुछ के नहीं आते होंगे सबसे पहले इस शब्द की बात करते हैं स्टीम का मतलब क्या होता है देखो स्टीम का मतलब होता है सादर या सम्मान क्या होता है सादर आदर या सम्मान बोलते हैं सादर सम्मान हमने लिख दिया है हालांकि है ना सम्मान इसको कनेक्ट कर सकते हैं बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई है ना जी इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा क्या हो सकता है मेरे भाई अब इसको याद कैसे करेंगे मुझे अच्छे से पता है मारुति सुजुकी नाम का एक ब्रांड है और मारुति सुजुकी की 90s के आसपास की बात है 90s के आसपास की बात है जब मारुति सुजुकी ने अपनी एक कार निकाली थी जिसका नाम था मारुति सुजुकी स्टीम अब आप सोचिए नब्बे के दशक में जिस भी व्यक्ति के साथ एक जिस भी व्यक्ति के पास एक कार होती थी मेरे भाई वो व्यक्ति बड़े सम्मान योग्य होता था सम्मान के लायक होता था क्लियर है कि नहीं ये बात है ना तो याद कर सकते हैं कि जिसके पास भी मारुति सुजुकी की स्टीम थी उसकी उस जमाने में बहुत स्टीम थी उसका बहुत क्या था सम्मान था ये होता है कनेक्शन बनाना क्या होता है कनेक्शन बनाना होता है इसी तरह से फेटर वर्ड की बात करें तो फेटर वर्ड का मतलब क्या होता है फेटर वर्ड का मतलब होता है जंजीर में जकड़ना या जंजीर में बांधना इसका मतलब ये होता है अब बोलो सर इसको याद कैसे करें तो भाई इसको याद करने के दो तरीके हैं जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी तरीका है और जो लोग लो हर जगह से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी एक तरीका है देखो भैया हमारे गांव देहात में क्या होता है सबके यहां लगभग घर में भैंसिया और गाय होती है तो हम लोग करते क्या है भैंसिया को जंजीर में ही बांधते हैं रस्सी में कम बांधते हैं सामान्यतः जंजीर में बंधी रहती है भैंसी ज्यादा तगड़ी तो उसको जंजीर में बांधकर रखना पड़ता है तो हम कह सकते हैं कि भैया भैंसिया को क्या कर दो फेटर कर दो क्या कर दो भैंसिया को फेटर कर दो भैंसिया को फेटर कर दो ऐसे याद कर सकते हैं हिंदी में भी अंग्रेजी कर सकते हैं और अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो एक चीज और बता सकते हैं कि फेटर वर्ड को अपन लोग दूसरे तरीके से याद कर सकते हैं और तुमको जरा गूगल पर ले चलते हैं कहा ले चलते हैं

आपने देवसेना को जरूर देखा होगा इस तरह से मूवी में बाहुबली में तो ये देखो जंजीरों में इनको जकड़ कर रखा था ना तो जब भल्लाल देव था उसने क्या कर रखा था देवसेना को फेटर कर रखा था क्या कर रखा था फेटर कर रखा था जंजीरों में जकड़ रखा था कर रखा था कि नहीं मेरे भाई सर आप ये पहले भी पढ़ाए थे मैं था क्लास में सी एच एस एल के वेरी गुड उमेश साबात तो ये चीज मैंने बताया हुआ था हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही वाला किया गया था सिनेमा में तो कुल मिलाकर हमें क्या करना होता है कनेक्शन बनाना होता है क्या करना होता है कनेक्शन बनाना होता है ठीक है तो कुल मिलाकर याद कर सकते हो कि भैंसिया को फेटर किया जाता है या देवसेना को बल्लाल ने क्या कर रखा था फेटर कर रखा था जंजीरों में बांध रखा था फिर बारी आती है हमारे पास स्कटल वर्ड की इसका उच्चारण इतना कमाल का होता है कि यहीं पर याद हो जाता है राजाजपुरम में एक मेरा मित्र रहता है लखनऊ में उसके घर में क्या है बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है कटहल का किसका कटहल का कटल जानते हो कि नहीं होता भैया अंग्रेजी में उसको जैक

तो भैया अगर कटहल किसी के मुंह पे इतना बड़ा पांच किलो दस किलो को फेंक के मार देंगे तो वो बर्बाद हो जाएगा अरे मुंह पे छोड़ो कार पे फेंक दो मोबाइल पे फेंक दो टीवी पे फेंक दो किसी भी चीज पे फेंक दोगे कटहल तो वो बर्बाद जरूर हो जाएगी चीज यानी स्कटल कटहल फेंकने से चीजें स्कटल हो जाती है ठीक है कटहल फेंकने से चीजें क्या हो जाएंगी स्कटल हो जाएगी और कुछ नहीं याद कर सकते हो तो सिर्फ इसमें यह याद कर लेना बीच के शब्द सी यू टी कट कट मतलब क्या होता है काटना होता है है ना आपका वैसे भी कटता रहता है है ना लोग कटवाने के लिए घूमते ही रहते हैं तो मेरे भाई कट मतलब भी खराब करना होता है बर्बाद करना होता है और कटायल फेंक देंगे तो भी जिंदगी क्या हो जाएगी स्कटल हो जाएगी बोलो भाई सर कितना कनेक्शन बनाएंगे बेटा जितनी बुद्धि उतना बना लेंगे बुद्धिंगे किसी चीज की लिमिट होती है क्या तुम्हें लगता है पैसे में मामले नहीं तो कितना कमाएंगे जितना मिल जाए उतना ही है भैया ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती मित्र है ना ज्ञान की सीमा नहीं होती विपिन अगर सीमा होती बेटा तो फिर क्या ही बात थी हम बता देते कि यहां से पढ़ लो जाके खत्म बात सब वहीं से पढ़ लेते सब पास हो जाते अगर ऐसा ही होने लगे तो है हाँ ना तो ये सारी चीजें करनी पड़ती है मेरे भाई कंपटीशन आजकल कट थ्रोट चलता है कैसा चलता है कट थ्रोट अक्विट अब तो तुम हिंदी बात, हिंदी याद कर लो अगर तुमको कनेक्शन बनाने में समस्या हिंदी याद करो फिर सबकी हम तो दोनों काम किए हम हिंदी भी याद किए पढ़ाए भी है और कनेक्शन भी बनाए अक्विट का मतलब क्या होता है अक्विट का मतलब होता है रिहा करना अक्विट का मतलब क्या होता है रिहा करना मेरे भाई आप देखते रहते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप कोर्ट कचहरी के बारे में पढ़ेंगे तो रोज पता चलता है कि फलाने आदमी को रिहा किया गया उसको रिहा किया गया फलाने को रिहा किया गया मैं इसको याद रखता हूं सलमान खान से क्योंकि सलमान खान पर केस काफी सालों तक चला था और जब कोर्ट ने लिखा कि भैया सलमान खान को रिहा किया जाता है तो साफ साफ अंग्रेजी भी लिखे आया था सलमान खान वॉज ऑल द चार्जेस क्या लिखा था सलमान खान वॉज अक्टेड ऑफ द अक्विटेड ऑफ ऑल द चार्जेस सलमान खान को सारे दोषों से मुक्त किया जाता है मेरे भाई बात समझ में आ रही है तो जब वोकेबुलरी की बात करते हो तो मेरे भाई सब कुछ हम लोग सकते हैं चाहे चाहे की की बात बात एक होता है है भैया उसको अंग्रेजी में में कहा जाता क्या क्या कहते हैं, दिन्दी में इसे क्या कहते हैं हैं? शुद्ध इसे उदासीन कहते हैं या फिर ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं जिसको सुख और दुख में कोई खास फर्क पड़ता ना हो जैसे कुछ लोग होते हैं न, कहते हैं, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है ठीक है बात समझ में आ रही है मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं तरीका हम बता रहे हैं लिमिटेशन तुम अपनी खुद बांध लो कि सर हम दस याद कर सकते हैं कि हम सौ याद कर सकते हैं एक सामान्य व्यक्ति की बात करें तो दो सौ याद करना कोई बड़ी चीज नहीं होती है ठीक है लेकिन हाँ उनको बनाए रखना उसके लिए अलग ट्रिक होती है जो कि हम ऑलरेडी वोकैबलरी वगैरह में बता चुके हैं बात समझ में आ रही है मेरे भाई तो तुम ग्रामर में और वोबरी में ये ये काम कर लेना वोकैब में भैया ये, -ये चीजें पढ़ लेना प्रीवियस ईयर के लिए और ग्रामर में ये चीज पढ़ लेना आपको ये बता दें कि लगभग आपके फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट मार्क्स आने की संभावना बन जाएगी अगर आप ये चीजें पढ़ के जाते हो बात समझ में आ रही बाकी जितना मैंने पढ़ा रखा है यूट्यूब पर एमडी क्लास पर भाई मेरे लगभग मैंने सारा कोर्स पढ़ा रखा है उसको देखो जाकर ईयर के सारे वीडियोस पड़े हुए चुपचाप जाकर भगवान का भजन करें। जो आता है उसी पर जाकर अमन करे बात समझ में आ रही है एम बी बुक का एम टी एस प्रीवियस ठीक रहेगा बिल्कुल शुभमराज एम बी पब्लिकेशन का गजब का है लेकिन एमबी पब्लिकेशन में एक दिक्कत है, कि जो आता है उसमें सारे एग्जाम के सेट दे रखे उसमें सीजल भी है सीपीओ भी है सब कुछ तुमको अगर एम निकालना है तो तुमको भैया सी एच एस एल और सिर्फ डेली पुलिस वाले पढ़ने पड़ेंगे सीजल और सीपीओ मत पढ़ना क्योंकि उनका लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है बात समझ में आ रही है ना सब लाइक कर दो यार वाचिंग से भी कम लाइक है अरे सब कंजूस बैठे हुए हैं सर वही कटहल ना जो पेड़ पे पलता है वेजिटेबल होता है हां जी आजान मलिक गुड मॉर्निंग भाई गुड मॉर्निंग चलो फिलहाल आज की इस सलाह को यहां पर करते हैं समाप्त तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना मेरे भाइयों है ना और दूसरी चीज है कि एक दिन में कुछ भी नहीं होता है एवरीथिंग नीड्स प्रैक्टिस एवरीथिंग नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स सो कीप कीप एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ गुड ठीक है फिलहाल बाय टाटा और अपना ख्याल रखिए पढ़ते रहो और अगर एग्जाम परसों जिसका भी लगा हो उन सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट गुड लक गुड नाइट